तरह के लोग होते जानते ना? घटना घट गई फिर भी वो इतना बेवकूफ होता है को पता ही नहीं चलता उसको मैंने खराब किया या अच्छा किया कोई बोलता है तूने बेवकूफी की ऐसा नहीं करना था फिर भी वो नहीं मानेगा झगड़ा करेगा आपसे इनको आप क्या कर सकते जिनका ये प्रश्न है वो बड़े प्रामाणिक आदमी है बोलते हैं कुछ गलत हो जाता है ठीक है हो गया लेकिन जो ध्यान ध्यानी है उसको काम करने से पहले ही उसको पता चल जाता है कि उसका परिणाम क्या होगा ध्यान में ही मन से आगे से हम सचेत हो जाते हैं लेकिन कई बार क्या हो रहा है दिल कुछ कहता है ध्यान वही ये मत कर ये मत कर फिर भी हम कर डालते हैं तो उसका परिणाम बहुत गलत आता है तो जो हृदय अपना कहते हैं कि ये मत कर उस समय हमें सचेत हो जाना है खास करके जब सबूत आपका फोन पे कन्वर्सेशन हुआ दोस्त के साथ या घर पे बेबी हो या हस्बैंड के साथ वो तो कहीं दूर है फोन पे बात हो गई आर्ग्यूमेंट्स हो गए तो हस्बैंड क्या बोलेगा पति देव दिखा दूंगा आज घर जाते हैं दूर से दुआ कुआ हो के आता है गुस्से में क्या बोल रही थी फोन पे दोस्त के साथ भी उसके घर पहुंचाते लड़ाई करेंगे हम लेकिन ध्यान में ही मन होता क्या कहता थाम जा अपने जो अहंकार है उसको पीले और और रुक जाते आप गुस्सा होने से पहले उन पे दया आए थी कि मेरे देखो ये गुस्सा क्यों करना है छोड़ो दया है बेचारे पे और बेचारी गुस्सा करने से कोई फायदा है ही नहीं गलत करने से भी हमारा दिल कहता है मत कर मत, मत कर मत तो कर नहीं करना चाहिए उसके लिए हिम्मत चाहिए इसलिए बहुत प्रदेश में कई जगह पे कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हिम्मत चाहिए ईश्वर प्राप्ति के लिए हिम्मत क्यों चाहिए हिम ईश्वर प्राप्ति वही कर सकता है जो सब कुछ अच्छी तरह से करता हो प्रेम से करता हो गुस्सा न करे ईर्षा न करे किसी के साथ लड़े नहीं उसके लिए भी हिम्मत चाहिए लोग बोलते हैं लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए लेकिन न लड़ने के लिए और ज्यादा हिम्मत चाहिए कॉन्फिडेंस चाहिए अपने पे ईश्वर पे इसलिए धैर्य और हिम्मत बहुत जरूरी है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी ध्यान हमें धैर्य सिखाता है हम शांति से बैठते हैं धैर्य से वेटिंग, 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 प्रेम से। जो भी काम करे छोटा हो मोटा हो कोई भी काम हम कुशलता से करें उससे ही वो काम कर्मयोग बन जाता है और जो योगी है अपने आप वो खुद जो भी काम करेगा वो कुशलता से ही करेगा क्योंकि वो ईश्वर में होने की चेष्टा कर रहा है या हो गया है जब आप ईश्वर में हो जाओगे ना पता भी नहीं चलेगा लोग बोलते हैं कि ईश्वर में हो गए तो आपको पता चलेगा नहीं चलेगा ईश्वर से दूर हटोगे तो पता चलेगा कि वे दूर होता जा रहा है क्योंकि वो अननेचुरल है प्राकृतिक नहीं है जो प्राकृतिक है उसके बारे में कभी भी पता नहीं चलता है उदाहरण तौर से बताओ आपकी आंख ठीक से देख रही है ना ठीक से सुन रहे हैं कान से नाक से भी सुन रहे हैं लेकिन शायद भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो पता चल जाएगा क्या यार थोड़ा कम चलता है अब जो प्राकृतिक है उसके बारे में कोई आभारित नहीं होता है हमारी आंखें ढंग से देख रही है कभी थैंक यू बोला नहीं बोला आंखें बिगड़ी गई तो डॉक्टर को बोलेंगे थैंक यू सर हा? हमको जो जीवन दे रहा है जो तो हमारे अंदर है अंतर्यामी है उसके बिना हम जी भी नहीं सकते हैं उनको कभी आभार व्यक्त किया कृत किता व्यक्त की थैंक यू ध्यान वही चीज है कि जो हमें अंदर से अपना जीवनदाता बनकर आगे ले जा रहे हैं जब भी हम बाहर ढूंढते हैं ना तो अंदर से वो पहचान हो जाता है मैं तो तेरे अंदर वो बाहर क्यों ढूंढता है बाहर तो एंटरटेनमेंट है एक कम्युनिटी अफेयर है मंदिर जाओ मजा करो खाना खाओ वहां से ईश्वर मिलेगा सोचो, शिव भगवान ध्यान करते हैं, कृष्ण भगवान भी महाभारत के पहले ध्यान में बैठे थे योग पुरुष राम लक्ष्मण सीता हनुमान सब कभी कभी जब तस्वीर बनी हुई देखोगे सारो ध्यान में बैठे हैं। ये सब पुरुष उनको क्या ध्यान की जरूरत पड़ गई हम मनुष्य मनुष्य शब्द भी बहुत उम्दा है बहुत सिग्निफिकेंट है मन जिसके पास है मनुष्य जब मन दिया है ईश्वर ने मानस बनाया है तो मन को अपने काबू में रखो और वो तभी हो सकता है जब हम मन की ट्रेनिंग ध्यान से ही होती है और कोई रास्ता है ही मानस तू पहले मनुष्य बन बाद में देवीता की चेष्टा कर है ना? तो इतना कहते हुए अब ढंग से ध्यान करो एक तरह की हिम्मत आ जाएगी कॉन्फिडेंस आएगा क्लैरिटी भी आएगी कि ये करना है या नहीं करना है ये सबके लिए अच्छा है कि अच्छा नहीं है ये विवेक बुद्धि ध्यान से ही आती है आप सब पढ़ना एक श्लोक है अध्याय दो श्लोक है सिक्सटी सिक्स फिफ्टी एट श्लोक से सिक्सटी सिक्स पढ़ लेना आप तो और गहराई में इनमें जो कह रहा हूँ उसका जवाब मिलेगा थैंक यू जी प्रणाम